जी बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए ये है बिकॉज जो चीज़ें क्रैब साइकिल में बनी थी उसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और आखिर में एट दी एंड सारी ATPs बना देते हैं जो ATP हमें रिक्वायर्ड थे। 36 अब तक हमने जितनी भी ATP बनाई है उसमें नेट 4 ATP बना पाए हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और 2 क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक है। बाकी देखते हैं आप किस तरह से ATPs बनेंगी, ठीक है। बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा था? क्रैब साइकिल। अब इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, उसमें क्या चलती है? आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। बेटा, उस चेन के अंदर जिस तरह से हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था, लाइट रिएक्शन में भी बेटा जो हमारी वो थी ग्रेथेलाकोइड मेम्ब्रेन, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए थे और कुछ कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर थे। तो इसमें भी बेटा कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं जिनका काम देखेंगे हम क्या होता है। 4 कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, चारों के नाम यहाँ मेंशन है। एक है NAD डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं जिसको, फिर FADH2 डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं, और साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स 3 एंड साइटोक्रोम रिडॉक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर से कुछ, इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या होता है? जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी FADH NADH के अंदर जो NADH डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो FADH2 तक पहुंचाने के लिए कोई इनमें से कैरियर इस्तेमाल होगा। तो कैरियर उसे कहते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाए, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसमें कोएंजाइम Q है और साइटोक्रोम C, ये दो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है। ये वाली बात एक बात याद रखना बेटा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके एंड में मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर दूंगा कि इस लेक्चर को, इसको पेपर में लिखना कैसे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए आपके, ठीक है। तो वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा किस तरह से पेपर में लिखना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ जाए आपके, और मैक्सिमम मार्क्स आने की मैक्सिमम मार्क्स आ गए तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, ठीक है। बस नेक्स्ट बेटा, आप स्टार्ट करेंगे अगले पेज पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आपको नजर आ रही होगी बेटा ये बनाई मैंने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जो, फिर ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? कर्ली सी होती है, क्रिस्टी भी कहते हैं। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे आपको, इन चारों कॉम्प्लेक्स के दरमियान नजर आ रहा होगा आपको कुछ कैरियर्स लगे हुए, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू लगा हुआ, ठीक है बेटा। पहले हमारे पास क्या है बेटा? NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। ये NADH2 डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है बेटा? NAD से हाइड्रोजन को निकाल देता है बाहर, यानी कि NADH2 जो हमने बनाया था क्रैब साइकिल के अंदर उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहीं पर। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है जी, एक जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा बेटा? NADH2 से हाइड्रोजन निकाल के बाहर फेंकेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन फेंक देगा, यानी H+ में फेंकता है, H2 नहीं होता, H+ में फेंकता है, और यहाँ क्या रह जाता है? NAD रह जाता है। यानी कि आप मुझे एक बार बताएं, NADH2 से क्या निकला? हाइड्रोजन बाहर निकला, अगेन बेटा NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ NAD+ के अंदर, हाइड्रोजन बाहर चला गया। अच्छा बेटा, हाइड्रोजन H+ वाली शक्ल में गया, इट मींस के हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में रह गए। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? NADH2 डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस बेटा वो एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है। अब हाइड्रोजन तो निकाल दिया, NADH2 से हाइड्रोजन तो निकाल दिया गया इस कॉम्प्लेक्स ने, NADH2 से हाइड्रोजन तो निकाल दिया, लेकिन साथ साथ जब हाइड्रोजन निकला तो वो H+ वाली शक्ल में निकला, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स, इसको ये कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा और 9 हाइड्रोजन को मजीद बाहर फेंकेगा। कितने हाइड्रोजन बेटा? 9 हाइड्रोजन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उससे आगे कहीं ना कहीं रीजन है, ठीक है। ये NADH2 बेटा क्या करेगा? 9 हाइड्रोजन को, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा और मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को निकालेगा, यानी H+ को निकालेगा, ठीक है। प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स को निकालेगा कहाँ से? H+ को बेटा प्रोटॉन्स भी कहते हैं, H+ या फिर प्रोटॉन्स को कहाँ से निकालेगा? मैट्रिक्स से, और कहाँ फेंकेगा बेटा? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ये आपके 2 मेम्ब्रेन के दरमियान का फासला होता है जिसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो ये 9 हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिए इसने, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, ठीक है बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर कौन कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? कोएंजाइम क्यू के पास, क्योंकि कोएंजाइम क्यू बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा। बेटा अब बात करते हैं FADH2 की। तो FADH2 ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यानी FADH डिहाइड्रोजिनेस, ये हाइड्रोजन तो निकाल देता है ये कॉम्प्लेक्स, इस FADH2 से हाइड्रोजन तो निकाल देगा, 2 हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ फेंक देगा, पंप कर देगा H2 वाली H+ और H+ वाली फॉर्म में यहाँ फेंक देगा, और FADH यहीं रह जाएगा मैट्रिक्स में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे जो H+ में से 2 इलेक्ट्रॉन FAD डायरेक्ट दे देगा कोएंजाइम क्यू को। बेटा एक बात याद रखनी है, FADH2 कोई भी H+ इंटरनल जो होता है यानी प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता कहाँ पर? मैट्रिक्स में, ठीक है। FADH2 की बात करूँ, बार बार बता रहा हूँ बेटा, FADH2 या FADH कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो H+ को यहाँ नहीं फेंकता, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है बेटा।
NADH2 जो था, NADH कॉम्प्लेक्स जो था, इसने 9 हाइड्रोजन यहाँ पंप किए थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज़ की थी, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाता, डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कोएंजाइम क्यू को। तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा किससे आया, NADH2 से आए, और दो इलेक्ट्रॉन किससे आए, FADH डिहाइड्रोजिनेज से आए। ये दोनों चार इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, चारों के चारों ट्रांसफर हो जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। जो कोएंजाइम क्यू असल में इन दोनों से इलेक्ट्रॉन को देता है और कहाँ पहुँचा देता है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचा देता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है बेटा, चूंकि बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन याद आ रहा होगा आपको, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर होते, उसकी एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स ने यूज़ नहीं की थी, तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा बेटा, इस दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करेगा जो एफएडी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, और 6 हाइड्रोजन को यहाँ फेंकेगा। कितने हाइड्रोजन को फेंकेगा यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन। यह बात याद रखनी है बेटा कि एनएडी जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो उसमें से 9 हाइड्रोजन पंप हुए थे या प्रोटॉन्स पंप हुए थे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें पावर कम होती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो NADH2 के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ तो कर लेता है और यूज़ करने के बाद, लेकिन 6 हाइड्रोजन क्या कर पाता है, पंप कर पाता है, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस एनर्जेटिक हो गए, FADH वाले दो इलेक्ट्रॉन भी और जो NADH वाले दो इलेक्ट्रॉन है दोनों क्या हो गए बेटा, यहाँ पर लेस एनर्जेटिक हो गए। लेस एनर्जेटिक का मतलब ये कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए थे और दो इलेक्ट्रॉन इसके वाले यहाँ यूज हो गए, तो जो चारों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस एनर्जेटिक होगा, ठीक है। अभी चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजे जाते हैं, साइटोक्रोम सी बेटा, साइटोक्रोम सी बेटा अगेन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा और कॉम्प्लेक्स 4 के पास ले जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 बेटा क्या है हमारे पास, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, क्या बेटा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मतलब ये कि साइटोक्रोम से दो चार इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो चार इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। अच्छा बेटा डायरेक्ट चारों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, पहले दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। अब जब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन दोस्तों में टूट जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन दोस्तों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जब ब्रेक हो जाएंगे तो मजीद दो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर एक चार्ज लेके आएगा और इसके ऊपर एक चार्ज लेके आएगा, ठीक है भाई। तो एक बात याद रखनी बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितने आ जाएंगे, -2 का। इसमें भी कितना आ जाएगा चार्ज, -2 का। एक इलेक्ट्रॉन पहले आगे लगा था, एक इलेक्ट्रॉन अब दोबारा आगे लगा, तो एक दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया, तो -2 इसके पास भी, -2 इसके पास भी। तो बेटा दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। दो हाइड्रोजन फिर इसके साथ अटैच होंगे, दो इट मीन्स के दो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दो ऑक्सीजन है ना बेटा, चार हाइड्रोजन यूज होंगे और क्या बन जाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह से बेटा ये दो नहीं, टोटल 6 बनते हैं, जो पीछे से हाइड्रोजन सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने ही नहीं आते, NADH आपको पता होगा पीछे 6 बने थे, तो आप इस तरह से याद रख लें, और FADH भी दो बने थे, तो उस हिसाब से याद रख लें कि यहाँ पर सिर्फ दो वाटर नहीं बनते, यहाँ पर 6 वाटर बनते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हम, अब जो हाइड्रोजन हमने पंप किए थे, जो पंप किए थे कहाँ पर, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, कॉम्प्लेक्स 3 ने और कॉम्प्लेक्स कौन सा 1 ने जो यहाँ पंप किए थे, वो हाइड्रोजन कहाँ से वापस आएंगे, इस जगह से। इस जगह का नाम है ATP सिंथेस, ये वाली जगह बेटा, ये वाली जगह, सारे के सारे हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, ATP सिंथेस पे आएंगे। जो ATP सिंथेस है बेटा, ये एक एंजाइम की तरह काम करने वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका एक लंबा वाला पोर्शन है जो मैट्रिक्स से बाहर होता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होता है, उसे कहते हैं एफ नोट पोर्शन, और एक F1 पोर्शन होता है जो कि मैट्रिक्स के अंदर होता है, जो ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन सारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ गए थे, वो हाइड्रोजन कहाँ से आए थे, वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 से आए थे, वो हाइड्रोजन वापस कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, बिकॉज ग्रेडियंट बन गया, कीमो ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा, सो क्या कहते हैं, कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, कीमो मतलब केमिकल्स, और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट, यानी कि एक जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, एक जगह पर कंसंट्रेशन कम होना। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन एक केमिकल है, यानी प्रोटोन क्या एक केमिकल है, अब उसका ग्रेडियंट हमने एक जगह पर क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, मैट्रिक्स में कम हो गया हाइड्रोजन, बिकॉज सारा पंप होकर बाहर चला गया था, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला गया था। अब यहाँ से हाइड्रोजन वापस आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, तो बेटा हाइड्रोजन का वापस आना मैट्रिक्स के अंदर क्या कहलाता है, कीमो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कीमो ऑस्मोसिस। और कीमो ऑस्मोसिस के नतीजे में बेटा ATP बनती है। कैसे ATP बनती है बेटा, एक बात याद रखना बेटा, तीन हाइड्रोजन यहाँ से गुजरने पर, तीन हाइड्रोजन यहाँ से गुजरने पर, यानी कि ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स से तीन जब हाइड्रोजन गुजरते हैं तो एक ATP ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। कितने ATP बना देता है बेटा कॉम्प्लेक्स, एक ATP। यानी जो हमने यहाँ पर नौ, अगर एक NAD ने, एक NAD से नौ हाइड्रोजन अगर निकले थे, सपोज कर रहे हैं, एक NAD ने नौ हाइड्रोजन, यानी कि एक NAD की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज़ की थी इस कॉम्प्लेक्स 1 ने, और 9 हाइड्रोजन को पंप किया था यहाँ पर, तो 9 हाइड्रोजन जब यहाँ से वापस आएंगे तो कितनी ATP बन जाएगी, 3 ATP बन जाएगी, क्योंकि एक
तीन हाइड्रोजन गुजरने से एक एटीपी बन रही थी, नौ हाइड्रोजन गुजरने से तीन एटीपी बन जाएगी। इन शॉर्ट इसी तरीके से बेटा एफएडीएच टू का कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री ने दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ किया था और छः हाइड्रोजन यहाँ फेंका था, छः हाइड्रोजन जब यहाँ से गुजरेंगे तो दो एटीपी बन जाएंगे, यानी कि एक एनएडीएच टू से तीन एटीपी बनती है और एक एफएडीएच टू से दो एटीपी बनती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। तो ये इस तरह से हमारा जो है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब जो अगला हमारा पार्ट है ना उसमें मैं ये बताऊंगा 36 एटीपी कैसे बनी है। देखिए ये चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको कि 6 एनएडीएच हमने बनाए थे क्रैब्स साइकिल में, 2 एनएडीएच बनाए थे हमने ग्लाइकोलिसिस के अंदर, याद होगा फोसफोग्लिसरल डीहाइड से बनाया था हमने 1,3-bifosphoglycerate, वहाँ पर हमने 2 एनएडीएच टू वहाँ बनाए थे हमने 2 एनएडीएच टू हमने बनाया था जहाँ पर हमने पायरवेट को ऑक्सीडाइज किया था किसके अंदर, ये एसिटाइल कोए में 2 एनएडीएच वहाँ बना था। तो इतने सारे एनएडीएच बने ना, और हर एनएडीएच से बेटा 3 एटीपी बन रही है और एफएडीएच से 2 एटीपी बन रही है, तो टोटल किस तरह से 36 एटीपी बनेगी वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको पूरे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तक के लिए इतना ही इसके अंदर। इन सब के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में।